हमारे बीच में नन्हे बाबा जी यहाँ मौजूद हैं, जो गौरविया गाजी मियाँ सोतिया वाग इलाहाबाद में रहते हैं और काफ़ी प्रतिष्ठित नाम है। और वो जो है कुछ बताना चाहते हैं लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं उनके बारे में। तो बाबा जी, सबसे पहले ये बताइए कि मुस्लिम धर्म में जो है तंत्र मंत्र को लेकर के हमेशा जो है एक विवाद खड़ा रहता है, तो क्या है, क्या वाकई तंत्र मंत्र कोई होता है? नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं। जो दुआ तावीज लिखते हैं अल्लाह को बदनाम करना, कलाम पाक लिख करके वो सबको समझ लीजिए बैरों में डाल देते हैं। जब वही है तो खूब दो उनको, वही चीज़ पढ़ के जो सफ़े आप हो, ये नहीं कि ताबीज पहना दो, वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। अल्लाह की तरफ से वो गुनाह माफ़ नहीं होता किसी का। मान लीजिए कोई आदमी को भूत प्रेत पकड़ता है या कुछ पकड़ता है या कहते हैं जिन्न वगैरह पकड़ता है और लोग उछलते कूदते हैं मजार पे आते हैं, तो क्या ये जायज़ है? ये जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ चीज़ है। इसको अगर आप जानते हैं इल्म, तो उसको ऐसा पढ़ कर फूकें वो खुद दर के दर गायब हो जाए। तो इतना कष्ट लोगों को क्यों होता है? क्या इनका अस्तित्व है, ये जो भूत प्रेत जिन जिन्नाद हैं, इन लोगों का अस्तित्व है दुनिया में? दुनिया में बहुत बड़ा अस्तित्व है इन लोगों का। ये लोग गलत काम नहीं करते, गलत काम कराने वाले उन्हें कराते हैं। दुआ ताबीज करने वाले बहुत बड़े समझ लीजिए गुनाहगार हैं। तो क्या इसमें किसी की जान भी जा सकती है? नहीं, जान तो नहीं जाती। कोई ऐसी विद्या है जिसमें जो है किसी को वसीभूत किया जाए या अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई विद्या की जाए? कलाम पाक में ये चीज़ लिखा हुआ है, किसी की ऐसी विद्या ना चलाओ कि हाँ कलाम पाक की आय लिख के उनकी जान का खतरा बने। अच्छा, ये जो मदरसे हैं ये जो चल रहे हैं, उन मदरसों में जो इस्लामिक स्टडीज पढ़ाई जा रही है, तो इस्लामिक स्टडीज में क्या पढ़ाया जा रहा है उनको, कुछ आप इस बारे में जानते हैं? नहीं, इस बारे में तो हमको कोई नहीं। तो जो मतलब अभी कहा जा रहा है कि वहाँ से आतंकवादी बन रहे हैं, बाकी चीज़ें बन रही हैं और मदरसों को बंद कराया जाना चाहिए, इस तरह की बातें उठ रही हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, तो क्या मतलब ये अल्लाह के बंदे नहीं रहे या अल्लाह के बंदे बनने से कुछ अलग काम कर रहे हैं? देखिए, ये अल्लाह के बंदे बनने से अलग काम कर रहे हैं, ये लोग अल्लाह के बंदे नहीं हैं। तो आपके हिसाब से मदरसों को बंद कर देना चाहिए? नहीं, मदरसों में अरबी पढ़ाने, उर्दू पढ़ाने पढ़ाने के लिए कोई मनाती नहीं है। पढ़ावें उनको अल्लाह की तरफ नज़दीक करें, तो पढ़ें कलाम पाक, पढ़ें रोज़ा रखें, नमाज पढ़ें, समझे? ये सब चीज़ जो है नहीं, कहाँ कि आप उनको दूसरे रास्ते पे ले जाएं। नहीं, आपको नहीं लगता कि इस्लाम जो है वो हिंदुओं के बीच में नहीं जा रहा है या क्रिश्चियनों के बीच में नहीं जा रहा है या सिख हैं और भी धर्म जो भारत के उनके बीच में नहीं जा रहा है, क्योंकि इसकी जो भाषा है वो उर्दू और अरबी है। अगर ये हिंदी में होता तो शायद ये और ही सरल होता और लोग इसे समझ सकते। देखिए, हिंदी में भी कलाम पाक है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। कौन ऐसा शख्स है कि पहले पुराने ज़माने के लोग सब उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, मराठी सब पढ़ते थे, अब के लोग जो है ना उसमें भेदभाव में डाल दिए, ऐसा डाल दिया है कि आप उसमें झगड़ा करेंगे, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल कतई है, इसके लिए मैं खिलाफ हूँ। नहीं, आप एक चीज़ और हमें बताइए कि जैसे अभी ये भाषा का विवाद लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं कि उर्दू होना चाहिए, जैसे अभी क्या है कि मदरसों में सिर्फ उर्दू है इसकी वजह से लोग जानते नहीं, आपको नहीं लगता कि सरकार को इसमें थोड़ा सा दखल देना चाहिए और अपनी जो लिटरेचर वाली जो बुकें हैं जो और लोग पढ़ते हैं उसमें भी कुछ कुरान का और कुछ उनकी आयतों के बारे में बताना चाहिए? देखिए, रामायण, गीता, कुरान, आप उठा लीजिए पुरानी, सब एक ही चीज़ है, खाली हम लोगों को भैरावे में डाले हैं कि हिंदू मुस्लिम अलग है, कोई ऐसी नहीं है। आप लोग में देवियाँ, हम लोग में छह देवियों की किस्सा कहानी होती है और छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, पातियाँ होती हैं उनके नाम से बांटे जाते हैं, आप लोग में सात देवियाँ हैं, आदमी भैरावे में डाले हैं, देवियाँ सब एक हैं। अच्छा, एक चीज़ और, सिया सुन्नी का अध्ययन और ये जो विवाद आप लोगों का आपस में है, क्या ये जातिवाद को लेकर के है या वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के? ये तो लड़वाया जा रहा है, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हम तो नहीं जानते कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, मैं तो सबको एक जानता हूँ, इंसान एक है, इंसान के लिए सब कुछ है, ऊपर वाले ने पैदा किया है सबको एक,
सबको एक बनाया है, वही वो अलग नहीं है।